नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं निफ्टी 20 के बारे में। और आपने YouTube पर और Google पर कई सारे वीडियो देखे होंगे, पर हम यहाँ पूरा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपने निफ्टी 20 की वैल्यू देखनी है तो आप निफ्टी 20 लिख दीजिएगा और इस तरह से चार्ट ओपन होकर सामने आ जाएगा। ये निफ्टी 20 एक प्रकार का ETF है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। यहाँ पर आप जिस तरह से स्टॉक्स को बाय सेल करते हैं, इसी तरह से इसे भी आप बाय सेल कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि आज का ओपन प्राइस क्या है, लो प्राइस, क्लोज प्राइस क्या है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। 52 हाई, 52 वीक लो, सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो आप चलिए हम डीमैट अकाउंट पे चलते हैं। डीमैट अकाउंट पे जाने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ निफ्टी 20 सर्च करना है। जो भी निफ्टी 20 का आपका ETF है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये निफ्टी 20 पहला ही वाला ऑप्शन है, इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। जैसे वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे आप इसके चार्ट को ओपन कर सकते हैं। चार्ट को ओपन करने के बाद इसके अगर डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आस्क और बिड प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर अपन हाई लो सारा कुछ देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेड कब हुआ था, ये 3:45 को इस पर लास्ट ट्रेड हुआ था। यहाँ पर आप टाइम का जो ट्रेंड है वो भी आप चार्ट की तरह सिंपल सा देख सकते हैं, पर यहाँ थोड़े से विंग्स और आपको थोड़ा अजीब सा देखेगा। पर ओवरऑल यहाँ पर आप वन डे का चार्ट लेके देखते हैं तो ये कॉपी करता है हमारे इंडेक्स फंड को, या हम यू कह सकते हैं कि हमारे निफ्टी 50 को ये पूरा पूरा कॉपी करता है। सबसे पहले हम निफ्टी 20 के चार्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट सिलेक्ट किया है, और आप शुरू से देख सकते हैं कि जब ये ओपन हुआ था इसकी ओपनिंग डेट है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 से आप देख सकते हैं जब ये 80 रुपए के आसपास था, 80 रुपए के आसपास होने के बाद थोड़ा सा डाउन गया है, और डाउन करने के बाद 70 रुपए से नीचे कभी गया ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोरोना की सिचुएशन ये 2009 की बात करें, 2009 या 2020 लगते हैं, ये कोरोना की सिचुएशन में ये इसने हाई बनाया था, 134 रुपए का हाई बनाया था। और लो की बात करें तो 81 रुपए का लो बनाया था, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 रुपए की गिरावट हुई है। और अगर किसी स्टॉक में आप देखते हैं तो काफी गिरावट देखने को मिलती है, पर आप देख सकते हैं कोरोना की गिरावट के बाद अब काफी अच्छा मूवमेंट ऊपर देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट हुआ है फिलहाल यहाँ पर, तो ब्रेकआउट में आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है आप देख सकते हैं कि यहाँ एक नीचे दो कैंडल्स के लो को मार्क करने के बाद यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं करेगी या इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक आपको यहाँ पर निफ्टी 20 को सेल नहीं करना है। तो आप यहाँ इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके लिए आप 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं और चार्ट को ऑटो कर लेते हैं। अगर आज की बात करें तो 18 तारीख के दिन ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो तो आप इसके लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम को थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं और चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब क्या करना चाहिए आपको, ये पहला हाई बना, ये दूसरा लो बना, इन दोनों लो को मार्क कर देना है। जैसे ये पहली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को इस कैंडल ने ब्रेक किया है तो आप इस लो के आसपास आप यहाँ पर इस निफ्टी 20 को बाय कर सकते थे। और बाय करने के बाद आप अगर बने रहते हैं तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपको ये 195 रुपये भी मिल रहा था, अभी 195 रुपये 95 पैसे यानी कि 90 पैसे के आसपास इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अगर आपने यहाँ 100 शेयर लिए होते हैं तो आपको लगभग 90 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल जाता। इसके इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो इसको सिंपल सा हम जैसे स्टॉक को बाय करते हैं ना, इसी तरह से बी पे गए, बाय के वाले ऑप्शन पे गए। अगर हम 10 शेयर लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो इंट्राडे के लिए इंट्राडे भी कर सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म करना चाहें तो लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। तो हम हमेशा यहाँ लॉन्ग टर्म में ही ट्रेडिंग करेंगे। अगर हमारा प्राइस आज नहीं मिल रहा है तो ये अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आपको लिमिट या मार्केट जो भी लेना है ले सकते हैं। तो अगर मैं 10 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करता हूँ तो मेरा 1957 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मार्जिन लगता है। मगर मैं 100 शेयर लेना चाहूंगा तो मेरा 19600 के अराउंड यहाँ पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी, जो नॉर्मली आप शेयर में भी इतना ही लगता है, ठीक है। हम यहाँ डिलीवरी में ले, अगर इंट्राडे में लेंगे तो देखिए इंट्राडे में आप सिर्फ 100 शेयर मात्र 4000 रुपये 3914 रुपये ही बाय कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको काफी अच्छा यहाँ पर एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ इंट्राडे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। अगर बात करें म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, इनका रिटर्न थोड़ा सा कम है, पर ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है, निफ्टी इंडेक्स को फॉलो करता है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे स्टॉक को सेल करने के बाद ब्रोकरेज और टैक्स देने होते हैं, इसी प्रकार से निफ्टी 20 को बाय और सेल करने के लिए सेम टू सेम आपको ब्रोकरेज और टैक्स ही देना है। इसमें किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्जेस आपको नहीं देना होता है। निफ्टी 20 में आपको किसी प्रकार का डिविडेंड या बोनस नहीं मिलता है, सिर्फ
प्राइस एप्रिसिएशन ही आपका प्रॉफिट होता है। निफ्टी 20 में इंट्राडे की ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप एक घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कीजिए। एक घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद इन विंग्स के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। आप क्या करिएगा, जहां पर भी आपको पोजीशंस वगैरह बन रही है आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, क्योंकि देखिए यहाँ पर RSI की बात करें तो RSI तो काफी ऊपर ही चल रहा है, यानी कि ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में है। अगर RSI के ऊपर भी हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो RSI बिल्कुल अभी सपोर्ट के ऊपर ही यहाँ से मूवमेंट आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि काफी अच्छा मूवमेंट है। यहाँ से आप निफ्टी 20 बाय कर सकते हैं, और RSI की जब ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को RSI की वैल्यू टच करेगी तब हम हमारे निफ्टी 20 को सेल कर सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपकी जो भी स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेज के आधार पर करना चाहते हैं तो मूविंग एवरेज के आधार पर कर सकते हैं। आप वी वेव के आधार पर करना चाहें तो वी वेव के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। तो वी वेव के आज काफी ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो वी वेव के ऊपर जैसी क्लोजिंग दे दे तो आपको एंट्री ले लेनी है, या वी वेब की वैल्यू के आसपास एंट्री लेनी है। तो इस तरह से आप 30 मिनट के चार्ट में भी देख सकते हैं कि 30 मिनट के चार्ट में थोड़ा क्लियर शो हो रहा है, तो आपको जिस भी टाइम फ्रेम में थोड़ा सा क्लियर चार्ट शो हो या आपको कंफर्टेबल हो उसी टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहे तो कोई इश्यू नहीं है। जब भी लॉन्ग टर्म में आपको बाय करना है या लमसम अमाउंट बाय करना है तो ऐसे रेंडमली बाय नहीं किया जाता, इसके लिए आपको RSI का वेट करना होता है। वन डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कीजिए। वन डे के टाइम फ्रेम में जब भी RSI 20 के आसपास आ जाए या 30 के भी आसपास आ जाए तो आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप निफ्टी 20 में बाय और सेलिंग कर सकते हैं, साथ ही आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी लॉस होता है उनसे डर लगता है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना पेपर ट्रेड करना चाहिए, तो पेपर ट्रेड आप निफ्टी 20 में भी कर सकते हैं। काफी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और आप काफी कंफर्टेबल भी फील करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस से अभी तक डीमैट अकाउंट आपने ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।